गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ फुल फॉर्म जो आपको पीछे वीडियो में बताया गया था कि कुछ फुल फॉर्म आपको नोट करना है, उसे आपको लर्न करना है। कुछ फुल फॉर्म छूट जो गया था आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि फुल फॉर्म कुछ था जो आपको पीछे बताया गया था, उस वीडियो को आप देखे होंगे और आप कमेंट भी किए होंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सम इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म जो आपको डेली बेसिस पे यूज किए जाते हैं कंप्यूटर में, और कौन कौन से हैं। जो फुल फॉर्म आपका छूटा हुआ था, जैसे आपका था पीडीए, पीडीए का जो फुल फॉर्म होता है उसे क्या होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। उसके बाद से पीसी के का फुल फॉर्म सभी लोग जानते होंगे। कौन कौन जानते हैं इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। पर्सनल कंप्यूटर, ये नॉर्मली आपका फुल फॉर्म है। उसके बाद से नेक्स्ट फुल फॉर्म जो आपका दिया हुआ है जी यू आई का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद से नेक्स्ट फुल फॉर्म देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है लैन मैन वैन। ये तीनों आपका नेटवर्किंग में यूज किया जाता है। अब इसका लैन का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। उसके बाद से मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन। यहाँ पे आपका क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म। उसके बाद से वैन का जो फुल फॉर्म होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। अभी नेटवर्क में आपको यूज किया जाता है, किसमें क्या यूज किया जाता है, इसकी वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम में मिलेगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट फुल फॉर्म जो आपका दिया हुआ ISP दिया हुआ है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद से नेक्स्ट फुल फॉर्म हम देखते हैं OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इन सभी फुल फॉर्म को आप क्या करेंगे, कॉपी पे नोट कर लेंगे। आपका जब स्कूल चालू होगा तब आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको बताया जाएगा तब भी, तो आप पहले से इसको आप लिखे रहेंगे, लर्न किए रहेंगे, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट फुल फॉर्म जो आपका दिया हुआ है MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट फुल फॉर्म आपका है DMP। प्रिंटर अगर आप यूज किए होंगे या फिर प्रिंटर के बारे में आप जानते होंगे, तो DMP का फुल फॉर्म डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये प्रिंटर के प्रकार में बताया जाता है, तो प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं उसकी भी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। उसके बाद से नेक्स्ट फुल फॉर्म हम देखते हैं वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल क्रिस्टल डिस्प्ले। वीडियो का फुल फॉर्म होता है। कुछ फुल फॉर्म और है जो ऊपर नोट कर रहे हैं, देखिए कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए कि नेक्स्ट फुल फॉर्म जो आपका दिया हुआ है LCD का फुल फॉर्म आपका क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट फुल फॉर्म जो आपका दिया हुआ है MICR का फुल फॉर्म आप पहले भी देखे हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर उसमें लिखा था, लेकिन इसमें आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यहाँ पे आप रिकॉग्निशन की जगह पे आप रीडर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट फुल फॉर्म जो आपका दिया हुआ है ट्रिपल एल का फुल फॉर्म क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज। उसके बाद से आपका नेक्स्ट फुल फॉर्म जो है HLL, इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद से नेक्स्ट फुल फॉर्म आपका है HTML,
HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद से ईमेल, ईमेल जो आप यूज करते हैं इसे आप जीमेल में एक आईडी बनाते हैं। जीमेल का फुल फॉर्म आपका गूगल मेल होता है और ईमेल का फुल फॉर्म आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके बाद से आपका आईपी, जो आपका आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म आपका क्या? इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद से नेक्स्ट फुल फॉर्म बीसीसी, बी डबल सी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट फुल फॉर्म जो आपका दिया है डबल सी, सीसी, सीसी का फुल फॉर्म क्या है? कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी आप जानते होंगे। उसके बाद से आईआरसी, आईआरसी का फुल फॉर्म इंस्टेंट रिले चैट इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद से नेक्स्ट फुल फॉर्म जो आपका दिया हुआ है डीएनडी, डू नॉट डिस्टर्ब। डू नॉट डिस्टर्ब को आप लिख सकते हैं डोंट डिस्टर्ब, ऐसे भी अगर आप लिखते हैं तब भी आपका सही है। उसके बाद से आपका फुल फॉर्म दिया हुआ है डी आई वाई, डू इट योर सेल्फ। लास्ट जो फुल फॉर्म आपका दिया हुआ है एबीटी, एबीटी का फुल फॉर्म आपका अबाउट, ये आपका लास्ट फुल फॉर्म है। अब इतना जो भी फुल फॉर्म आपका बताया गया पिछले वीडियो में भी इस वीडियो में भी, यह सभी फुल फॉर्म आपको कॉपी पे नोट करना है और उसे लर्न भी करना है। तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं कॉपी पे और इसको याद कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।